फर्स्ट डे ओवर, आज सेकंड डे। भूतिया भूतिया डे। भानगढ़ विषय कौन टी भानगढ़ जयपुर रु पखापाखि 190 अराउंड किलोमीटर आ भानगढ़ सबुठ हॉन्टेड प्लेस उपरे काउंट करा जाए। सो वी आर प्लानिंग सीक्रेट प्लानिंग टू स्टे आफ्टर 6 o'clock जोटा कि पॉसिबल नहीं से मैंने गार्ड वार्ड तो मना कर दे छन ट्राई करिया स्ट्रिक्ट अछि बट हम ट्राई करबा आज ट्राई करिया भूत गोड़ दिटा को खोजिया पई का खाइबा पिबा नै कैप्चर करिबु तांगर कोन जेता न्यूट्रन सबले काली हम क्लास हेतिला साइंस क्लास काली अभी अभी हाय कर दो दीदी। ओके गाइस ओके गाइस वो खरा एड़ी जरो जे अनै पारोनी चलो लेट्स गो। एक स्टोरी सुन के चलते हैं। ये भानगढ़ वाली इस लगाओ यार, मजा उसी में आएगा। लगाओ यार। ये भानगढ़ वाली स्टोरी लगाओ। एक रात पिंकी ने पिंकी वो अरे ये वो पिंकी और ओयर उनका नहीं आएगा। पिंकी आती है हर वो भूतिया कहानी में। तो रात को 3 बजे आके मुझे बोली भैया वो खिड़की पिंकी ने भैया बोला पिंकी भैया रात को 3 बजे तेरे पास क्यों आई भैया बोल रहे वो खिड़की का लॉक काम नहीं कर रहा है आप आके लगा दो वो खिड़की बहुत बार बंद कर चुकी है। स्टोरी बाद में कहीं और एंड होती है ना तो क्या नाम था उसका अरे वो बंदा नहीं सुनाता ऐसे लाके हेलो गाइस हमें एक्चुअली अभी का भानगढ़ पाखरे पहुंच सैलुणी एंड बाट जाक भानगढ़ रो स्टोरी सुनी 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 भितर गोटे फिलिंग आस सारा जे कौन हम कौन ना। सो आगे चल आपण मानक देखे देखिकी जीव कि केमती भानगढ़ रो फोर्ट एंड जदि भूत भूत देखा जाए आपण मानक कहे प्लीज कहीं आम तो रेकर्ड करूँ जना पड़ो कि जना पड़ोन आपने चेक करके कहे भूत कौटी देखागला कमेंट करेंगे है ठीक अच्छे चलन तो जीवा देखा भानगढ़ फोर्ट। ओके गाइस तो यहाँ हूँ भानगढ़ एंट्री गेट। सो आम जाऊे
एंट्री तक हो गला एंड टिकेट मन सब स्टार्टिंग कर दे टिकेट काउंटर एटा टिकेट काउंटर एटी सिक्योरिटी चेक और उसके बाद मुझे सहित तो एत टाइम स्पेंड कलापर अबिका हिंदी ही पार्टी पलि आस डायरेक्ट हाँ हाँ ये देखो व्यू एक लिखा है जैसा सारा स्टोरी मंदिरों में गोपीनाथ मंदिर रामेश्वर केशव राय एवं मंगल देवी मंदिर है नागर शैली में बनी हुई है सारा मंदिर महेश भाई थारा भाई होगा दादा को कौन मारा दादा की दुकान कोट सीट थी मैं हमारे दादा की तो वहां रहे जी पाछा हमारे दादा की भैया यार ये अपने दादा की दुकान पे रामेश्वर ये रामेश्वर गोपीनाथ गोपीनाथ यार केशव चलो जल्दी से भाई साहब पूरा एरिया खाली कौन एमती किसी तो गोटे भयंकर पक्का सुनाओ ये मार्केट था हाँ। उसको बोलते हैं जोहरी मार्केट ये किला सा राजा माधो सिंह का रानी थी रत्नावती उसका ससुर का नाम था भगवान दास आप तब से हैं भगवान दास ने किला बनाया शहर बसाया तो पहाड़ के ऊपर चौकीदार बिठाया था पहरेदार चौकीदार पुरानी बात है तो यहाँ से राजा साहब ने उसके लिए कुआं बनवा दिया पीछे पीछे उस टावर के पीछे नहाने धोने का बनवा दिया वहीं रहना वहीं मकान रहने का आराम से रखवाली करेगा राजा साहब का काम था ताश पत्ती खेलने जाते थे बाहर चौकड़ पसा ताश पत्ती बोलते ना मोंडरी सेवार उसने दिमाग घुमाया वह कुछ न कुछ तो रानी भी खेलती होगी अच्छा अच्छा तो राजा साहब ने बिठाया था चौकीदार वो निकलाया था अंतरिक्ष जादूगर अच्छा तो रानी के पास आने देने लगा ना तो उससे पहले तंत्र विद्या करके उसका पानी को हटा दिया सुखा दिया अच्छा जो कुएं का पानी था हाँ अच्छा अब वो आने जाने लग गए बोलो राजा बोलेगा यहाँ कैसे वहाँ पानी नहीं दौड़ के मत जा वो आने जाने लग गए उसको भाई ना मिल गया ना हाँ। अब उस बैठता रिया उठता रिया तो उसको रानी पसंद हो गई उसने बोला ये तो रानी बहुत ही सुंदर है कैसे अपनी होगी कैसे अपना बस होगी इसके नौकर चाकर बोलते हैं रोज मार्केट जाते हैं कुछ न कुछ लेके आएगा ना उसमें गड़बड़ी करेंगे तो अपनी वजह ऐसे करो ये मंदिर है गोपीनाथ कृष्ण भगवान का इसमें मूर्ति लगाई थी पिलास्टी वाली काली में तो करण अर्जुन की पिक्चर बनी थी पहले मंदिर ये मंदिर देख लो पहले मेरे करण अर्जुन आएंगे फ्रॉम भानगढ़ ये तीन गेट त्रिपोलिया बोलते हैं त्रिपोलिया त्रिपोलिया तीन गेट को त्रिपोलिया बोलते हैं त्रिपोल त्रिपोलिया हाँ हाँ जाओ जी जाओ जी ये तीनटा गेट को त्रिपोलिया कहते अच्छा आम अबिका जाऊे से मंदिर को जो हिस्टोरिक मूवी शूट है दिला करण अर्जुन पानी का है यहां से पानी झर रहा था बारिश बरसती हो ना अच्छा
अब आते हैं। ओहो देख लेना मेरे करण अर्जुन आएंगे। ये सीढ़ियां तो चल गई। चलो ऊपर जाते हैं। चलो ना। हाँ हाँ आप भी चलोगे? चलूँगी। राजा नहीं बन रहा था होली के समय पे। ये तो कहने के लिए सब रुकवा के नया बनवा दिए। ऐसे मंदिर कौन बनाएगा? मैं उतारूंगा। अरे भाई करण अर्जुन सूट ही थला चलो जीवा मंदिर भितर को। अरे बाप रे उधर उधर आगे और कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। अभी तक भूत मिले नहीं है, देखते हैं आगे जाके। इसीलिए ढूंढते हैं। फिर वहाँ से ऊपर आके बैठ गए ना वो। जैसे ये मार्केट जाएगी ना उसका पीछा करेंगे। वो मकान छोड़ते हैं उसका। हाँ वो उस और पे आके बैठ गया। तो वो बीच के बीच ना कहाँ से वो भी ऊपर से आ गया। तांत्रिक कहाँ मतलब ये ऊपर रहता था? वो उस टावर है। अच्छा ऊपर के टावर में। तो वो भी ऊपर से आ लिया। तो ऊपर से आने में देर लगी ना। उसने वो लौट के आ गए रास्ता में मिल गई। बोले क्या लाइए? तो कुछ भी नहीं पता क्या लाइए उसने बता दिया। तो और सामान में तो गड़बड़ी की नहीं। और जैसे सिर में लगाने का लीटर था ना उसमें तंत्र विद्या करके ऐसा काला जादू कर दिया ये सिर में डालेगी तो मेरे पास आएगी। अच्छा अच्छा। अब यहाँ से नौकरानी पहुँची रानी के पास। तो रानी उसके पास बैठती थी उठती थी तो कुछ तंत्र विद्या रानी को भी थी। अच्छा। रानी तो देखते ही पहचान गई। अच्छा बोले इसमें तो गड़बड़ी है आपको कौन मिला था? कोई नहीं कि बताओ कौन मिला था। फिर रानी साहब आपके पास आता ना वही बाबा मिला था कि ठीक है फिर मैं आप भी मत डालो मैं भी नहीं डालूँगी फेंक दो मैं पत्थर बताऊँगी इस पर डाल देना। वो पत्थर पर तेल डाला ना तो वो पत्थर सीधा पहाड़ पे जाके उसकी साइड गिर गया। जैसे रानी लगाती तो रानी जाती। अच्छा नौकरानी लगाती तो नौकरानी जाती। अच्छा अच्छा पत्थर चला गया उसके पास साइड। हाँ अब शाम को राजा आया बोला रानी आज उदास कैसे? फिर राजा साहब चौकीदार ने तंत्र विद्या चला दी तो अपना पत्थर चले गया। ये चौकीदार नहीं है वो जादूगर भी है। उसको कुछ भी बोलेगा ना कुछ न कुछ और भी सोचेगा। आपके पास आता है आराम से बिठाओ प्रेम से बोलो। ये देख लो होस्ट आवर है। अच्छा वो वाला ऊपर जहाँ रहता था। अरे ये देखो ना नीचे। अच्छा वॉच टावर लिखा है ये वाला नहीं ऊपर वाला। हाँ वो ऊपर है वो वाली। वहाँ से वो दूर तक दिखता होगा ना कोई शत्रु वत्रु आ रहा है। उसने बोला के आराम से बिठाओ और प्रेम से बोलो भेद ना लगने दो। उसको भेद लग जाएगा ना तो कुछ न कुछ और भी सोचा। तो आता रिया जाता रिया आराम से उसको बिठाता रिया बोलता रिया। उसके बाद भी ना। हाँ उसके बाद तो कुछ दिनों बाद में राजा साहब ने सोचा और कब तो बहुत दिन हो गया। नौकर को बोला उसको बुला के लाओ जाके। अब तो बहुत दिन हो गया। नौकर जाके उसको बुला के लाया तो राजा साहब ने बिठा कर उसको प्यार से समझाया अगर आप तो बहुत अच्छे आदमी हो पूरी शहर नगरी का ध्यान रखता हो तो एक काम मेरा भी करो। तो बोलो राजा साहब कि भैया उसका
आपका वहाँ कुआं है बावड़ी है उसमें पानी लेके दिखाओ। क्या कुआं है? ऊपर कुआं है बावड़ी है उसमें पानी लेके दिखाओ। अच्छा, उसको पता था, उसने उठाया था, मैं लेके दिखाऊंगा। राजा साहब को पता नहीं था, इसी ने उठाया है। तो राजा साहब को तो दिमाग में थी कि पानी आएगा नहीं, राजा साहब को पता नहीं था ना। अच्छा, तो राजा साहब बोला चलो ऊपर, अरे ऊपर चलो और मेरी कमर का रस्सियाँ डाल दो, अंदर कर दो। हाँ। राजा साहब वापस ले लेना। ये ठीक भी है कि राजा साहब वापस ले लेना, कभी ये सीख कोई बात ही नहीं है। अच्छा, राजा साहब के दिमाग में थी, उसको नीचे डाल दिया तो उसने तंत्र विद्या उठा दिया तो पानी एक साथ आ गया। अच्छा, तब वो चिल्लाया था राजा साहब ऊपर ले लो ऊपर ले लो। राजा साहब नीचे देख के नौकर को बोला छोड़ दे। अच्छा, उसको अंदर छोड़ दिया वो तांत्रिक को। नहीं, हाँ अंदर छोड़ दिया ना। हाँ। तो पानी भी पानी में जाता है तो हाथ क्या थी वापस फेंकता है। हाँ। तब बोला था हाथ मेरी जान जा रही है ना, तक कीड़ी नहीं गई। तीन घंटे के समय दे रहा हूँ, तीन घंटे से फिर इन लोग निकल जाएगा, वही बच जाएगा। अच्छा, रह जाएगा ना पूरी शहर नगरी समाप्त हो जाएगी। अच्छा, धर्म का चार मंदिर है ना, वही बचेगा। अच्छा, राजा साहब जी तो घबरा गया। अरे एक मिनट रुकना, कहले जो बुढ़ी भी बोल ना। अरे ये तुमने तो पूछो ना, सबको सुन रहे ना, सब सुन रहे। अरे मैं बोला कि धर्म के जो चार मंदिर हैं, नहीं उससे पहले कुएं में उसको डाल दिए। ठीक है, तांत्रिक तांत्रिक को तांत्रिक बोला कि आज अगर मैं मरता हूँ ना तो यहाँ पे भी कोई नहीं बचेगा, लेकिन यहाँ से ये जगह छोड़ के जो चला जाएगा तीन घंटे में टाइम लिमिट दे रखी थी। कितना तांत्रिक ये मंदिर छोड़ के और कोई नहीं बचेगा, मंदिर छोड़ के और कुछ भी नहीं बचेगा, जो धर्म के चार मंदिर है ना वो ही रह जाएगा। अच्छा, तो राजा साहब जी तो घबरा गया, वहाँ से जल्दी आया, नौकर चाकरों को बोल दिया जैसे ऊँट हाथी घोड़ा गधा सामान लगा के जल्दी निकल लो। अच्छा, तो यहाँ से निकला था ना, आवाज लगा था भैया बबलू भैया बबलू भैया, किसी के कीन होता है किसी के नहीं होता है। तो पहले निकल गया ना वो तो पूरे ही लोग बच गया। फिर बारिश आई थी और भूकंप आया था उसी टाइम तीन घंटे के अंदर, तीन घंटे से बाद में। अच्छा, तो ये पूरी शहर नगरी है ना एक झटका से समाप्त होगी। ये राजप्रेत बोलते हैं ना पंडित, उसका है ये। किसका है ये? जो पुरोहित बोलते हैं ना, राज पुरोहित। अच्छा, अच्छा, अच्छा। पंडित जो ये गन्ना का सा पत्ता है ना, इसको बोलते हैं केवड़ा। अच्छा, तो इसमें से फूल निकलता है ना खुशबू वाला, सेंट अगरबत्ती खुशबू वाली इसी के बनता है। अच्छा, सावन पौधों में निकलते हैं ये। अब यहाँ से राजा जी चले, सुबह नीचे क्या बना रखा है जोत लगाने वाला, भूमि बाबा बोलते हैं, भैरू बाबा, भैरू बाबा। तो यहाँ से राजा साहब जी होगा बाउंड्री से बाहर, वो राजा रानी दासी दरोगा नौकर चाकर पूरे लेके गए थे। वो बाउंड्री से बाहर हुआ, उसके साथ साथ पब्लिक भी थी, तो वो गया था गाँव आमेर। अच्छा, आमेर जाके किला बनाया नारगढ़ जयगढ़गढ़। अच्छा, इन्होंने इसी राजा का किला है। तो मान सिंह माधो सिंह की दोदाबाई बुआ जी थी। हाँ, पता है। अकबर की बेटी थी। हाँ। तो की भारमल की छोटा सा गुफा, राजा भारमल की बेटी थी, भगवान दास की बहन थी। हाँ। तो अकबर वाला हमला हुआ था 1500 सदी में। हाँ। अकबर के शादी करके वो राजा से कर ली थी। अकबर के शादी करके मानसिंह में निकल गया। हाँ, हाँ, साथ में रहने लगे थे। तो यहाँ ये राजधानी जिला जयपुर है, वो अलवर है, ये अलवर है जिला अलवर, तहसील राजगढ़ है। अच्छा, यहाँ से जाने के बाद में जिला जयपुर तहसील दौसा। तो 120 साल दोनों बाप और बेटे ने राज किया था। अच्छा, 500 साल पुरानी बात है, तो इसलिए बोलते हैं इसको भूत। ये तो ये जो गायत्री देवी है रानी, वो आगे माधो सिंह मान सिंह भाई थे, जय सिंह तो मान सिंह जैसे पापा बुड्ढा हो जाएंगे तो बेटा ही तो बनाएगा। अजय देव का, और ये मेन गेट, ये पहले लकड़ी का गेट था,
सुनो एक बार भाई, गवर्नमेंट ने मंगवा दी ये गाड़ी। देखो नीचे तो ये दुकानें थी, ये तो पूरा मार्केट था, और ये बाउंड्री है ना, वो पार्ट तक ही पूरा गांव था। अच्छा, ये पूरा गांव था, तो ये गांव देखो जो वो आगे लास्ट तक दिख रहा है। हां हां हां, बड़ी वो देखो गवर्नमेंट ने गेट के ट्रायल करिए, यहां खुदाई कराई, इसमें कमरा ही कमरा निकलाया ना, इतना इतना से निकला है, इतना से और चुना दिया तो ऐसे दिखने लग गया, तो पूरा गांव डूब गया यार। मुन्ना देन भी सुन जो समझ गया। हां जी, वो तो देखी गई जी। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? तो ये जो बोल रहे हैं यहां पे जो हवाएं भी चलने लगी हैं, वैसी वाइब्स आ रही है, हमें हवाएं चल रही हैं। वो तो चले गए, उनका किस्सा खत्म है, या तो बोलते हैं कि साफ जाता है। और ये निकला डाउट। तो मजा देखो, अच्छे वाले क्वेश्चन पूछ रहे थे यार। देखो माला डली हुई है ना, पूजा दिन में होती, पूजा करते हैं, दिखाऊं आपको? नहीं नहीं, मैं देख रहा हूँ दिन में तो कुछ, दिन में तो कुछ। रात को कब कितने बजे आती है आपको, इससे बता? 8-9 के बीच में गाना बजाना करते हैं, जैसे मंदिरों में आती है। आवाज आई है आपको? अरे बहुत, 3 किलोमीटर आगे तक आएगी, बहुत दूर से ढोल बजता है, जैसे मंदिर में आती बत्ती है ना, ऐसी बत्ती। जिन बाबा है किसी से डिस्टर्ब नहीं करेगा, उसी को करेगा, उसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। जैसे मैं खड़ी हूँ, फिर मेरे पत्थर की देगा, तू दो देगा तो मैं एक तो देगी, ऐसे उसको कोई डिस्टर्ब करेगा ना, उसी को कुछ बोलेगा, ऐसे कुछ नहीं। नाच तो कौन है? हमारे गौतम है, इनके नाम भी बटे हैं। चुड़ैल होती है, चार औरतें उसकी। वो अच्छा, उसकी जो दासियां थी वो चुड़ैल बन गई। तो उसका महल यहाँ से अलग है, यहाँ से देखो तो ये महल ही अलग है उसी का। किसका महल है? जिन बाबा। जिन बाबा तांत्रिक जो था, तांत्रिक तो उधर था। ये जिन बाबा कौन है? अरे जिन बाबा आप नहीं जानते, तमन्ना वाले होते हैं। अच्छा, वो तो जिन जो होते हैं रक्षा के लिए ये बाबा रह रहे हैं, जिन रह रहे हैं, ये समाज की रक्षा ही करते हैं। अच्छा, नहीं भानग में इतने लोग खत्म हो गए, ये भोमिया बाबा, ये जिन बाबा, आगे भैरू बाबा, बालकनाथ बाबा, गणपति बाबा, इनकी रक्षा। नहीं नहीं, भगवान जी ना। अब देखो वो गांव का चौकीदार था, ये मेल का चौकीदार बैठता था, ये पूरी जेल है। जेल थी ये? अच्छा, ये तो चेंज मतलब बदल गए होंगे ना ये दरवाजे तो। दरवाजा पहले लकड़ी का था, उस पे लोहे की गेट बनवाने की क्या जरूरत पड़ी फिर? अरे रात को यहाँ रुकते हैं, आवाज़ आवाज़ आती है गाँव तक? अरे कभी कभी आती है, रोज नहीं आती है, कभी कभी आती है। अरे अरे विक्रुगो जी बाबा, चलो ओहो खोजू वर्तमान। आपका फोन की बत्ती जला के देख लेना, इसमें 3 रूम है, एक इधर है, 2 इधर है। क्या 3 रूम है? ये बड़ा जेल है, इसमें 3 रूम अंदर है। अच्छा, लाइट लगा, गंदा झड़ दिखाई थी ना यहाँ पे बीच में, इसमें जेल है 3। अरे प्लीज, देखो
मैं नहीं जा रही ना ना बेटा ला फांसी एडी ऊपर टांगी की ना नहीं 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 तो साथ वाला जेल है ना उसमें कोई मर जाता था तब उसको उठा के यहां यहां पे कर देते थे फांसी नहीं देते वहां पे फांसी देते थे बोला बस फांसी देते थे हां ये रूम मेरा इसमें क्या फांसी देते थे भाई रूम है अंदर एक ये सीढ़ी है जाने का हां वो मर गए के मतलब जो बटड़ा इधर देखो नीचे से इधर से आते हैं नीचे से तो इधर से जाते हैं अच्छा और ये ऊपर से जाएगा ना तो पेड़ के ऊपर से जाते हैं तो वहाँ जाके मिल जाता है ऊपर है क्या उसमें बस मतलब तांत्रिक इतने दूर से आता नहीं है कुआं है बीच है लोहे वाली फोटो वगैरह भी है हाँ तो मैंने बोला था वहाँ पीछे कुआं भी है बावड़ी भी है पानी है उसमें भी नहीं नहीं यहाँ टूटा फूटा ऐसे टॉप व्यू अब आओ ले लिया फोटो तो इसके इसके ऊपर भी था ना पानी के मेरे के ऊपर भी बिल्डिंग था नहीं मैं कह रही हूँ हम लोग गए वो गए ना वो तो आओ मेरे बात सुनो ना इसके ऊपर भी बिल्डिंग था वो गिर गया हाँ सात था फ्लोर तीन ही रह गया तो ये जेल का ऊपर कितने कितने क्वेश्चन आते भूतों ऊपर पिज्जी करके जीवा जैंकलिन तू उतर जाना भाई मैं तो यहाँ पे तो निशानी के लिए ठीक है तो वो बता पूरा खंडर अच्छा अभी ये सेकंड फ्लोर पे है हम लोग काफी सुंदर हुआ रानी रत्नावती महल की महारानी नेहरू बाबा नहीं है महल की महारानी है अच्छा बत्ती करते हैं उसका नाम से जैसे आप कर लो मैं कर लूँ कुछ चढ़ाते भी हैं जैसे ठाकुर है ना राजा भक्त वो तो पूरा चढ़ाते हैं शादी वगैरह होते हैं या जोड़ा भी लेते हैं दूल्हा दुल्हन कपड़ा भी देते हैं बर्तन भी देते हैं पैसे भी पूरी मिठाई चढ़ाते हैं तो यहाँ से लेके कौन जाता है फिर साड़ी वगैरह मेरे को मिल जाएगी मैं ले जाऊंगी दूसरा को मिल जाएगी दूसरा ले जाएगी अच्छा ऐसे ले जाते तो कौन करता है आके आप कर लो मैं कोई भी कर देता है कोई भी कर लेता है अच्छा हाँ आपका मन हो तो आप कर लो मेरा मन हो तो मैं पूजा हाँ रिश्ता ही नहीं जैसी मर्जी तो अब आपको छत पे जाना है ठीक है अब मैं चलती हूँ वहाँ से भी वही दिखेगी यहाँ से अच्छा जाने के लिए इधर से कहाँ से आए थे अरे आए नहीं आए तो उधर से थे अब इधर से जाएंगे इधर से जाकर वही गेट है ये कि गेट है दूसरा नहीं तब हम मेरे को जैंकलिन ना एडी एक्चुअली लोक सब पड़े ऑलमोस्ट तो से भाभी आज गोटे डेयर कर एकुटिया बाहर की जीवो सेठी सेठी फुल अछि से पाखू को जाई के आसीबो यू आर नॉट अ डेयरिंग पर्सन जा 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 गोटे ट्राई अरे लोक देखिबे तू केते साहसी अरे को दिन अछि बा तू सेठु से जे सेही फुल पाखरे जाई हाय करिके आस बस
और जो जाए जाए पर तू जा अरे कहीं की तू साहसी टपरा अरे तू साहसी चलो देखिए देखिए कितने साहसी तू अरे सही गेट दे सही गेट दे तो एटलीस्ट जा जा ट्राई तो कर जबरदस्ती पट्टी दी थी तो पछपट देख लु किए अच्छी ओके जाए तो पाक ना डर जी सी तापर असुविधा हो जो नाचो साउंड सुबह बोली तो मैं सही टा कोच देखी अरे भाई के मिती लागो छी किंतु गंध तो हो मैं कुटा के भी ऐसा था सबुदिन किए आसिक सब पूजा पूजा करती ओहो डर लगे किसी पाइबा को ले किसी हरेबा को पड़े सो किसी देखा चली चली मेहनत करिया को पड़े से गोटे बाटटा अरे से बाटटा गोटे बाहर ओके गाइस सो एटा थिला हम वानगढ़ रा व्लॉग आओ आशा करछ अपन मन को बुली बुली थकी गलु भलो लागी थिबो अबिका बी हमें ए खंडर भितरे चल चली की लास्ट वीडियो टा बनो छु सो मो पछे पटे रहला ए खंडर अबिका हमें एग्जिट करबा आमको तो एबे जके किछि दिन बोली भूत माने आसनांदी कि चुड़ी झनझन कि पांजु झनझन करनांदी जदि रात्रे आसीबे किंतु हमर तो ना घर को जबा समय हमें चलो जीवन ने डेली जीवो अभिका तो एटू वानगढ़ रु बाहर जीवा जयपुर रे मोस्टली प्लानिंग अछि जयपुर जय पेंगा सो ए ब्लॉग एटी एंड ला सो बाय गाइस लव यू ऑल एंड कीप लविंग अस बाय 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 देवी एंड नामो चैनल को सब्सक्राइब कर देवे लव यू ऑल बाय।